हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लेता हूँ जो हमारा इमेज यानी फोटो है उसका साइज कंप्रेस करना। साइज कंप्रेस करके उसे क्या, जो आपका जो ओरिजिनल फोटो है वो 10 MB का है, फिर 5 MB का है। आप ये चाहते हैं उस फोटो के लिए 100 KB या फिर 50 KB या फिर 500 KB में बनाना है, तो उसके लिए आप लिए क्या करना है, अपने कंप्यूटर मोबाइल फोन पर आपका जो गूगल क्रोम ब्राउजर होता है वो आपके लिए ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर जो क्रोम ब्राउजर है वो ओपन कर लिया है। सेम इसी प्रकार से आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो मैंने कंप्यूटर पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। ओपन करने बाद हमें जाना है सर्च बार में, और इसमें आप लिए क्या लिखना है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कंप्रेस इमेज टू 100 KB। तो इस तरह लिखने के बाद आप लिए क्या है, सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो यहाँ से आप लिए फर्स्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे कंप्रेस जेपीजी टू 100 KB और लेस करके लिखा हुआ, तो इसी पर आप क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इस कमी से जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपके लिए जो अपना इमेज होता है वो यहाँ से आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से लिखा हुआ कंप्रेस जेपीजी टू 100 KB। अब यहाँ से नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है चॉइस ड्रॉप इमेज। यहाँ से आपके लिए 100 KB का यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। अगर और भी कम या ज्यादा करना है तो इस वाली लिस्ट में जाकर के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना है, पहले लिखा हुआ है जेपीजी टू 100 KB, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज टू 20 KB, उसके बाद यहाँ से 1 KB का आ गया है, उसके बाद यहाँ से 10 KB का आ गया। तो यहाँ से उसी प्रकार से 10 के बाद यहाँ से 50 का है, 500 का है, 100 का है, 200, 300, और यहाँ से आप देखेंगे तो लास्ट में यहाँ 500 KB का क्या है, PDF है। तो यहाँ से वो साइज है वो आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपकी जो लास्ट में जाकर यहाँ से आपके लिए साइज देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से लिखा हुआ है कंप्रेस जेपीजी टू अदर साइज। तो यहाँ से अदर साइज जैसा भी आप क्लिक करना है तो यहाँ से वो साइज वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा केवल 100 KB का करना है मेरे लिए पहले, तो यहाँ से 100 KB का यहाँ से आपके लिए ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ से चॉइस और ड्रॉप इमेज लिखा हुआ है, तो इसमें इमेज आपकी क्या सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से जो इमेज है मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ई सिम कार्ड सिलेक्ट कर लिए इसका। उसके बाद यहाँ से इसका जो ओरिजिनल साइज है वो कितना है, अभी यहाँ से आप देख सकते हैं 780 KB का इसका जो साइज है वो है। तो इसे यहाँ से हम कंप्रेस करेंगे 100 KB का, 100 KB में कंप्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे 94 KB का बन के आ गया है। यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से 94 KB का ये कंप्रेस हो गया है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ब्लू कलर से यानी ग्रीन कलर से, यहाँ से ग्रीन कलर से क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड। तो इस पर आप क्लिक कर देना है, डाउनलोड कर देंगे तो यहाँ से जो हमारा इमेज यानी वो है यहाँ से डाउनलोड हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कितना है, 94 KB का जो इमेज है वो यहाँ से डाउनलोड हो गया है। तो इस कंडीशन से आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फोन से जो इमेज का साइज है कंप्रेस यानी कम कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना।